मेरा नाम है अमित खट्टर। हम कर रहे हैं पावर मिल 2020 है ये। तो पावर मिल स्टार्ट करेंगे, शुरू से लेके एंड तक देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हमारे को क्या क्या चीज करने की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीज हमें आनी चाहिए पहले दिन दूसरे दिन, है ना। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे जो भी पावर मिल को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मॉडल बनाएंगे, उसका प्रोग्राम बनाएंगे, उसका एनसी फाइल क्रिएट करेंगे, पोस्ट प्रोसेसर करेंगे, सारा कुछ देखते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है मॉडल की। तो ये हमारा मॉडल है, इस पर राइट क्लिक करके इंपोर्ट मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट मॉडल में आपको बताना होता है कि कहाँ मॉडल पड़ा। तो जहाँ पे भी आपके कंप्यूटर में मॉडल पड़ा है वहां से हम पिक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो चाहे सॉलिडवर्क्स में बना हो, चाहे पावर मिल में बना, पावर शेप में बना हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में बना हो सकता है टूल। ठीक है, तो हमने मान लो ये सॉलिडवर्क्स का एक मॉडल पिक कर लिया, अच्छा तो ये मॉडल जो है आपका पावर मिल में आ जाएगा। आईजीएस फाइल हो सकती है, स्टेप फाइल हो सकती है, पैरासॉलिड फाइल हो सकती है, कैटिया में बना लो, एनएक्स में बना लो, क्रियो में बना लो, सॉलिडवर्क्स में बना लो, फ्यूजन 360 में बना लो, कहीं पे भी बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, इन्वेंटर में बना लो। तो ये मॉडल हमारे पास आ गया। यहां से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होती है कलर ऑप्शन, मल्टी कलर्स, तो इसमें कलर दिखेगा, शेडेड में कर देंगे तो ग्रे शेडेड दिखेगा, अगर वायर फ्रेम कर देंगे तो ये वायर फ्रेम में नजर आएगा, इसको बंद कर देंगे तो ये वायर फ्रेम नजर आएगा। ये दोनों है, दोनों ऑन करने पड़ेंगे, इसको बंद कर दो, इसको ऑन कर। अच्छा ठीक है, कलर शेडेड कर देंगे तो कलर वाला, जहां अच्छा लगे वो ऑन कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन नजर आ रही है ये इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, या व्यू के अंदर ऑप्शन होती है ट्रांसफॉर्म, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अच्छा बेसिकली ये ओरिजिन दिखा रहा है, बेस दिखा रहा है, बेस कहाँ पर, तो जो मॉडल बनाते हुए अच्छा जहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा ये वहीं पे नजर आएगा। ठीक है, एक चीज अगर हाँ ध्यान से देखिए, अगर हम कर्सर को, कर्सर जो है मेरा यहाँ नीचे देखो एक्स वाई जेड लिखा आ रहा है, तो हाँ कर्सर मेरा कहाँ है, ये देखो ये जीरो दिख रहा है, जेड जीरो दिख रहा है। हाँ अगर मैं हाँ यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखो ये 6.35 है, यहाँ पे जाता हूँ तो ये 18, जी 19.6 है ना, ये है हाँ हाँ 6.35, ये है जीरो, 6 पॉइंट और ये जो नीचे वाला ये -5.715। ठीक अच्छा है, तो यानी कि मुझे अगर इसको ऊपर करना है तो मुझे 19.685 इसको ऊपर करना पड़ेगा, या ऐसे कह लो जेड को नीचे करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। मॉडल में जाएंगे, यहां से मूव जेड कर देंगे, कितना नाइनटीन अभी नीचे माइनस लेना है माइन माइनस माइनस 19 पॉइंट कितना था वो, 6.85 सिक्स सिक्स एट फाइव। ठीक है, -19.685 किया, ओके किया, तो ये मॉडल जो है नीचे चला गया। अब इसका फ्रंट व्यू साइड व्यू करके देख सकते, अभी जेड ऊपर हो गया, यानी मेरा हाँ जेड टॉप हुआ टॉप जो है अब ये जीरो हो गया। जी ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्म जो है मेरा या तो सबसे ऊपर हो या सबसे नीचे हो, हाँ हाँ -25.4। तो यानी कि मैं चाहता हूं मेरा जेड जो है 25.4 ऊपर, तो ये सबसे नीचे आ गया। मैं हमेशा यही चाहता हूं कि ट्रांसफॉर्म जो है मेरा सबसे नीचे बेस हो, यानी कि जहां हाँ टेबल बेस्ट है, टेबल हो जो वहां। टेबल टूल ठीक है, ट्रांसफॉर्म के मतलब कोई सा ऑफ टेबल जो हमारा जी कोड बनेगा वो कहीं और से बनेगा, हाँ 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 ये जो है ये रखना कहाँ पे है, टेबल बताना उसको, बेस का।
है। अच्छा ये खाली मतलब टेबल है ना, हाँ ये बेस है मॉडल का बेस था। इसके हिसाब से जी कोड्स नहीं बनेंगे मतलब? नहीं जी कोड इसके हिसाब से नहीं बनेगा, जी कोड बताता हूँ मैं। जी कोड के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले बड़ी दूर है अभी जी कोड, वो तो भी देखेंगे। फिलहाल एक छोटी सी ठीक बात है कि हमने इसको बता दिया कि जीरो का है, टेबल का, टेबल टॉप का। टेबल। उसके बाद पावर बिल जो है मास्टर गेम से एक चीज डिफरेंस है कि इसमें ये सारा ब्लॉक के हिसाब से चलता है, या रॉ मटेरियल कह लो, स्टॉक कह लो। पावर बिल जो हाँ चलेगा वो स्टॉक के हिसाब से चलेगा। मास्टर गेम में कोई जरूरी नहीं है स्टॉक दो, मास्टर गेम में स्टॉक सिर्फ हाँ हाँ वेरीफाई करने के लिए काम होता है। इसमें वेरीफाई तो आएगा ही आएगा काम, इसमें प्रोग्राम वहीं चलेगा जहां पे ब्लॉक होगा। अगर ब्लॉक नहीं होगा तो वहां नहीं चलेगा प्रोग्राम, यानी ब्लॉक मस्ट है, बिना ब्लॉक के मस्त है। पावर मिल में प्रोग्राम नहीं बनता। ठीक है। जो रॉ मटेरियल है वही ब्लॉक होगा ना सर? हाँ, जहां रॉ मटेरियल होगा, जो ब्लॉक होगा वहीं पे जी कोड जनरेट होगा, वहीं पे टूल पाथ क्रिएट होगा, और कहीं नहीं हो सकता। मास्टर कैम में ऐसा नहीं होता, मास्टर कैम में बिना ब्लॉक के बिना स्टॉक के भी चलता है। हाँ कर सकते। अब ये फायदे वाली बात भी है, नुकसान वाली बात भी है, वो मैं दिखाऊंगा कैसे फायदा है कैसे नुकसान है। फिलहाल समझना ये है कि ब्लॉक होना जरूरी है। दूसरी चीज हमारे को चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्क प्लेन। तो मैंने क्या वर्क प्लेन पोजीशन ऑन ब्लॉक, और मैंने इसके टॉप सेंटर पे रख दिया। ये जो वर्क प्लेन है इसको अगर मैं एक्टिव कर दूं और ब्लॉक को दोबारा कैलकुलेट कर दूं, तो ये मेरा वर्क प्लेन है जिसके अकॉर्डिंग जी कोड जनरेट है। अच्छा वर्क ठीक है। उससे कोई इसका लेना देना नहीं है, ट्रांसफॉर्म से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये वर्क प्लेन है, यानी कि जो वर्क प्लेन एक्टिव होगा, एक्टिव होना जरूरी है, जो वर्क प्लेन एक्टिव होगा उसके हिसाब से मॉडल बनेगा, उसके हिसाब से जी कोड जनरेट होगा, उसके हिसाब से टूल पाथ जनरेट होगा, टॉप ऑफ द स्टॉक, बॉटम ऑफ द स्टॉक, डेप्थ ऑफ कट, वो सब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, इस वर्क प्लेन के हिसाब करेंगे। से काम करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है सबसे सिंपल, जो मेरे ख्याल से तुमने 2D प्रोग्रामिंग में भी देखा होगा मास्टर कैम में, सबसे सिंपल होता है कंटूर का टूल पाथ। मास्टर कैम में कंटूर टूल पाथ हाँ देखा कंट्रोल। होगा, है ना? तो हाँ इसमें हाँ कंटूर नहीं होता, इसमें होता है पैटर्न, 2D कर्व प्रोफाइल, अच्छा कर्व मशीनिंग में 2D कर्व प्रोफाइल। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है मास्टर कैम के कंटूर के साथ। ठीक है, ओके करेंगे। मतलब नाम में फर्क है, वहां कंटूर बोलते हैं, यहाँ पे 2D कर प्रोफाइल। ठीक तरफ। है। इसके लिए एक पैटर्न चाहिए, पैटर्न यानी कि कर्व चाहिए। तो यहाँ पे भी पैटर्न है नहीं, तो हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू पैटर्न, और उसके कर्व एडिटर में जाएंगे। तो जैसे उसमें वायर फ्रेम होता है, यहाँ पे ये कर्व एडिटर होता है। अच्छा तो यहाँ पे कर्व्स आ गई सारी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉम्पोजिट कर्व ले लेंगे। ठीक है। मास्टर गेम में कमांड होती है एज ऑन कर्व, इसके अंदर होती हाँ है एजेंट कर पटे। इसमें होती है कॉम्पोजिट कर्व। कॉम्पोजिट कर्व करके ये अंदर वाली एज सिलेक्ट करूंगा मैं, और इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, तो ये अपने आप सारी बाउंड्री जो है पिक कर। मास्टर कैम में मुझे एक एक करके क्लिक करना पड़ता है, इसमें एक ही हाँ बार एक में, एक करो सिल्क। इसमें एक ही बार में आ जाएगा। अब ये जब कर्व आ गई तो इसको ओके कर दें। अब जैसे कंपनसेशन होती है, अभी लेफ्ट साइड में चलाना है या राइट साइड में चलाना है, तो वो यहां से डिसाइड हाँ हाँ होगी कि हम मशीनेबल सेक्शन को मार्क करना पड़ेगा कि अंदर वाली साइड चलाना है या बाहर वाली साइड चलाना है टूल। तो हमने इस कर्व के अंदर वाली साइड चलाना है, इसलिए ये अंदर कर देना है और एक्सेप्ट कर देना।
मास्टर गेम में हमारे को डेप्थ ऑफ कट बताना पड़ता है, इसमें हमारे को लोअर लिमिट बतानी पड़ती है भाई सबसे नीचे कहां तक जाना। ठीक है, मास्टर गेम में इसको बोलते हैं टोटल डेप्थ, लिंकिंग पैरामीटर में होता है लिंकिंग पैरामीटर। हाँ, इसमें लोअर लिमिट बतानी पड़ती है भाई सबसे नीचे कहां जाना। मास्टर कैम में डेप्थ ऑफ कट भी बताना पड़ता है, इसमें कट डिस्टेंस में लिमिट बता देंगे हम कि 1-1 mm का स्टेप डाउन बताना। अच्छा ठीक है, 1 mm हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतना कर सकते, यानी कि ये हो गई टोटल डेप्थ कहां तक जाना है मुझे और कितने कितने का कट लगाना है, वो लिमिट के हिसाब से डिसाइड हो। लिमिट कौन सी है मेरी, ये मेरी लिमिट। ऑब्वियसली टूल देना पड़ेगा, तो यहां से हम टूल क्रिएट टूल कर सकते हैं। दस एम का कर देते, टूल का नाम जरूर देना, टूल का नंबर जरूर देना, चाहे मास्टर कैम हो चाहे पावर में। ठीक, वर्क प्लेन हमने दे दिया 1 नंबर, ये जो एक्टिव हो रखा है। ब्लॉक हमने ऑलरेडी दे दिया कैलकुलेट करके, यहाँ पे कैलकुलेट का बटन दबाएंगे तो ये अपने आप ब्लॉक ले लेगा उसी साइज का। उसके बाद हमने इसको बताया टूल, टूल मैंने 10 mm का एंड में ले लिया। उसके बाद मैंने एक पैटर्न बनाया, ठीक है, यानी कि एक कर्व बनाई, ये पैटर्न यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अच्छा, और कर्व में इसको बता दिया कि टूल अंदर वाली साइड चलना चाहिए, यहाँ पे भी पोजीशन ऑन कर्व या ये चाहिए, तो हमारे को ये बाहर वाली पोजीशन चाहिए। टोटल डेप्थ बता दी और स्टेप डाउन बता दी। कैलकुलेट का बटन दबाएंगे तो हमारे हमारा जो जी को ये जो है टूल पाथ जो है वो क्रिएट हो जाए। उसमें वेरीफाई करते हैं मास्टर कैम के अंदर, इसमें इस टूल पाथ को सिमुलेट करना है, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट देन प्ले। स्पीड स्लो कर सकता हूं मैं, ठीक। तो ये क्या क्या उनका कट मारता हुआ जाए। अगर वेरीफाई करके देखना है 3D में तो यहां से इसको ऑन कर दो। मास्टर कैम में वेरीफाई कहते हैं, इसमें सिमुलेशन बोलते हैं। फिक्स डायरेक्शन, और यहां से रेनबो शेडेड कर दो तो हर एक टूल पाथ अलग अलग कलर में आए। ठीक है, सर एक डाउट था। हाँ, जैसे कि मैंने अभी देखा उस टूल एक राउंड लेने के बाद उठ रहा है और फिर नीचे आ रहा है ना। हाँ, कंटूर में भी ऐसे ही होता है, उसके लिए अलग टूल पाथ लगाना पड़ेगा, उसके लिए अलग टूल पाथ लगाना पड़ेगा, वो भी बताऊंगा। हाँ जी, ठीक। ये तो सिर्फ हमने समझने की कोशिश की है कि कंटूर टूल पाथ कैसे यूज करते हैं। अभी हम मॉडल नहीं बना रहे, अच्छा मॉडल नहीं बना रहे, अभी हम पावर में समझना चाह रहे हैं भाई कौन सी कमांड कहाँ पड़ी है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, नहीं आगे चल के मॉडल भी बनाएंगे। ये जो टूल पाथ है ये जनरेट हो गया, कुछ भी एडिट करना है इस टूल पाथ के अंदर, एडिट कर तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, जब सेटिंग में जाएंगे तो ये सब कुछ बंद है, ये देखो डीएक्टिवेट है, तो इसको एक्टिव करना पड़ेगा पहले इनेबल। अगर मैं यहां से कोई भी चेंज कर देता हूं तो उसके हिसाब से टूल चलेगा।
15 mm कर दिया तो 15 तक चलेगा, माइनस 5 कर दिया तो 5 mm तक चलेगा। अगर लोअर लिमिट वैल्यू पे कहीं पे क्लिक कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यू ले लेगा। अभी ये चल रहा है, देखो सेंटर पे आया फिर सेंटर से इधर गया। सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, ये देखो ये सेंटर से उधर गया फिर इधर चला। तो हम क्या करेंगे, हाँ। इसकी सेटिंग में जाके सेटिंग में जाने के बाद हम यहां से स्टार्ट पॉइंट लिखें, ये ब्लॉक सेंटर सेव, ब्लॉक सेंटर सेव कीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट सेव करें। वैसे तो ब्लॉक सेंटर सेव भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर फर्स्ट पॉइंट सेव कर देंगे तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है वहां उसके सामने आ जाएगा। ठीक, अच्छा हाँ। यहाँ पे कर्व प्रोफाइल में एक क्लिम की ऑप्शन है, यानी क्लॉकवाइज चलाना है एंटी क्लॉकवाइज चलाना है वो हमारी मर्जी है। अच्छा, अगर मैं एनी कर दूंगा तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड चलेगा। अब मैं अगर इसको सिमुलेट करके दिखाऊं तो ये पहले एक बारी इस साइड चला, फिर उसके बाद दूसरी साइड इस साइड चला। हाँ। अब ये हर बार ऊपर जो जा रहा है इसको बोलते हैं यहाँ पे ऑप्शन होती है लीड्स एंड लिंक्स। इसमें जो है लिंक्स जो हैं वो सेफ हो रखा है, सेफ सेफ सेफ। अगर मैं इसको कर दूं स्टेप डाउन और इसको कर दूं स्किम, फिर चला के देखते हैं एक बार कि क्या फर्क पड़ा। तो ऊपर राइट क्लिक करो, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करो, क्या इसको फर्क पड़ा कुछ के नहीं पड़ा। हाँ ठीक है, तो अभी ये, हाँ अभी ये हर बार स्टेप डाउन हो, ठीक है। अगर हमारे को प्रोग्राम बन गया और इसका जी कोड जनरेट करके देखना तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम। तो ये एनसी प्रोग्राम जो है यहां पे आ जाएगा और इस एनसी प्रोग्राम की सेटिंग में जाके मैं इसको बताऊंगा कि मशीन कौन सी है, पोस्ट प्रोसेसर कौन सा है। मैंने कहा जी फानुक का पोस्ट प्रोसेसर, क्या फाइल का नाम होगा, मैंने कहा जी एंडमिल 10 होगा। ठीक है, कहां पे फाइल सेव करनी है पहले बता देंगे और उसके बाद राइट का बटन दबा, ये फाइल जो है क्रिएट हो गई। अच्छा, तुम कंप्यूटर में जाके वो फाइल ओपन कर लो।
ओपन विद नोटपैड। तो ये जी कोड जो है जनरेट हो गया जिसके लिए हम सारी मेहनत कर रहे हैं। ठीक, जी ये जी कोड है। ठीक है, कभी भी कुछ भी चेंज करेंगे, मान लो मैंने अब टूल पाथ में कुछ भी चेंज कर दिया तो मुझे एनसी फाइल दोबारा से क्रिएट करनी पड़ेगी। कुछ भी चेंज कर दिया, मान लो मैंने इसको सिर्फ क्लिम कर दिया, ठीक है, तो प्रोग्राम सारा चेंज हो गया, तो मुझे इसकी जो एनसी फाइल है इसकी सेटिंग में जाके फिर से राइट करना पड़ेगा। वो कह रहा है जो पहले वाली फाइल है उसको डिलीट कर दूं, ओवरराइट कर दूं। तुमने कहा जी यस, तो वो उसी के ऊपर ओवरराइट होगी। इस बात का ध्यान रखना है हमारे को, ऐसा ना हो कि हम यहाँ से प्रोग्राम बनाएं और फिर इसकी फाइल क्रिएट कर दें, बाद में प्रोग्राम में एडिट करके फाइल वही वाली दे दें, तो गलत हो जाएगा। अभी वो ओवरराइट हो गए ना सर? अभी ओवरराइट हो गए, अभी ओवरराइट हो गए। जिस चीज का बल्ब बंद कर देंगे वो दिखना बंद हो जाएगा, पैटर्न बंद करना है, पैटर्न टूल पाथ बंद करना है, टूल बंद करना है, जिस चीज का बल्ब बंद होगा वो चीज बंद होगी। अच्छा, मतलब इसमें बल्ब है जैसे हाँ। मास्टर क्या में मतलब वो ऑप्शन रहते हैं, हाँ वो टॉगल की ऑप्शन होती है ना, हाँ जी, तो वैसे इसमें टॉगल नहीं होता, इसमें ऑन ऑफ है। ठीक, हाँ, अगर हम मान लो इसकी सेटिंग में जाके स्टॉक छोड़ना चाहते हैं, अभी तो हमने जीरो पे कटिंग कर, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन है कर्व थिकनेस, मान लो मैंने इसको बोल दिया कि मुझे 1 mm मटेरियल छोड़ना है, तो यहाँ पे कर्व थिकनेस में वो 1 mm कर लिख देंगे। तो अब जो मेरा टूल चलेगा वो 1 mm दूर होगा इससे, वो 1 mm दूर है, देख रहे हो? हाँ, देख रहे हैं। यानी कि जितनी हम कर्व थिकनेस भर देंगे सेटिंग्स के अंदर, अगर मैं इसको जीरो कर देता हूं, कैलकुलेट, तो ये अभी उसके साथ चिपक जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर मैं देखो वॉल के ऊपर स्टॉक छोड़ना है फिनिशिंग के लिए, तो हम क्या करेंगे, कर्व थिकनेस में जाके वैल्यू कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अगर मैं एक कर्व को एडिट कर दूं, कर्व एडिटर में जाके एडिट कर दूं, तो वो कह रहा तुम्हारा टूल पाथ भी चेंज हो जाएगा। ठीक, इसलिए वो करने नहीं दे रहा, वो कह रहा यहाँ जाके कर, टूल पाथ में जाके चेंज, क्योंकि हमने अंदर बनाई थी ना, तो वो इंटरनली कहता जाके चेंज करो, ये कर्व एडिटर। अच्छा, कितना लॉक है ये, तो मान लो मैं जो चीज खाना चाह रहा हूँ, हम एक और पैटर्न बना लेते हैं, अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, ये जो कर्व है
इसको एक नंबर को हाइड कर देते हैं। तो मैं एक कर्व और बना रहा हूँ कंपोजिट कर्व करके, ठीक और इसको मैंने ऑफसेट कर लेता हूँ इस कर्व को, ऑफसेट कर रहा हूं मैं। एक कॉपी और बनानी है 10 या 3 mm अंदर, बार बन गई, बार नीचे की हमारे को अंदर से। चलो मान लो यही बना लो, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है और मार्क कर देता हूं मैं अंदर वाली साइड। यहाँ पे पोजीशन है, पोजीशन पोजीशन में मैं कर देता हूँ सेंटर, तो यानी जो मेरी कर्व है उसके ऊपर चलेगा टूल, कर्व के एग्जैक्ट ऊपर, आधा अंदर आधा बाहर। अच्छा मास्टर कैम में कंपनसेशन ऑफ कहते हैं, इसमें कंपनसेशन ऑफ नहीं, हाँ इसमें हाँ सीधा डायरेक्टली हम उसको बता सकते हैं कि उसके ऊपर चलना। अभी सेंटर पे है कर्व, थैंक यू। ठीक है ना, आधा अंदर है आधा बाहर, बाकी चीजों से मतलब नहीं है, सिर्फ कर्व से मतलब है। ठीक जी सेटिंग में जाएंगे, या ऐसे कह लो इसको कंपनसेशन ऑफ कर दिया हमने, ये यहां से अच्छा हाँ ठीक पावर मिल में इसको पोजीशन कहते हैं, ठीक। सेंटर ऑफ द टूल फॉलो द प्रोडक्ट, अगर ये कर देंगे तो फिर वो लेफ्ट या राइट में चलेगा, या आपको लेफ्ट साइड में चलाना है लेफ्ट साइड में चला लो। अच्छा एक और चीज दिखाता हूँ बड़े काम की, कि अगर मैं यहाँ पे सेटिंग में जाके ये बटन दबाने की बजाय इसकी कॉपी बना लूं, क्रिएट ए टूल पाथ बेस्ड ऑन दिस वन, एक और टूल पाथ क्रिएट हो जाएगा, वहां पे हम इसको लेफ्ट की जगह बाहर कर देते हैं, रिवर्स यहां से भी कर सकते हैं। तो एक नया टूल पाथ क्रिएट हो गया जो बाहर है, और एक तीसरा भी मैं बना सकता हूं जो कर्व के ऊपर है। तो यानी तीन तरीके से हो गया, लेफ्ट में भी बना सकते हैं, राइट में भी बना सकते हैं, और एग्जैक्ट कर्व के ऊपर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास तीन अलग अलग टूल पाथ आ गए, जिसके ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा वो एक्टिव हो जाएगा, जिसके ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा वो एक्टिव हो जाएगा। कर्व के ऊपर बनाना, लेफ्ट में बनाना है, राइट में बनाना, ये तीन टूल पाथ अलग अलग बना दिए मैंने, ठीक। अच्छा तो यानी कि कॉपी करना बहुत आसान है, बाकी सारे पैरामीटर सेम रहेंगे, जस्ट हमने उसके ऊपर जो चेंज करना है चेंज करके एक नया पाथ टूल पाथ क्रिएट कर, यहां से मॉडल ऑन कर सकते हैं ऑफ कर सकते हैं हमारी मर्जी, ठीक है। मेरे ख्याल से काफी चीजें समझ में आई होंगी कि हम मॉडल को लाना कैसे है, टूल पाथ कैसे क्रिएट करना है, पैटर्न कैसे क्रिएट करना है ना, एनसी फाइल कैसे क्रिएट करनी है, सिमुलेट कैसे करके देखना है, ठीक है। तो ये मॉडल मैं सेंड कर दूंगा, तो इसको आप इसी के ऊपर चला के देखना, ठीक है। कोई दिक्कत आएगी तो फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोई भी वीडियो देखते हैं उसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि जैसे जैसे मैंने यहाँ किया वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करो, हाँ ठीक है ना, ताकि सारी ऑप्शन अपने हाथ से करके देख सकते हैं।
और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो होती है कि जो भी वीडियो देखो उसके नीचे अपना नाम जरूर लिखो क्या डाउट आया वो भी लिखो, क्या पसंद आया वो भी लिखो। ज्यादातर लोग वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते, तो पता नहीं क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, क्या और सीखना चाहते थे, क्या क्रियोसिटी रह गई, है ना। तो वो अगली वीडियो में हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोग चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना है, बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि नेक्स्ट ट्यूटोरियल जब हम डालें तो वीडियो अपने आप नोटिफिकेशन आए।